नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पंचायत की बिना सहमति के राशन डिपो मंजूर करने को लेकर के डीएफएससी के खिलाफ नारेबाजी की और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने राशन लेने से साफ मना कर दिया है। पंचायत के रेजुलेशन की भी अनदेखी की गई है। डीएफएससी पर मोटी रिश्वत लेने का आरोप भी लगा है। आप देख रहे हैं पल पल रानिया से ओपी वर्मा की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि बिना पंचायत की सहमति के गाँव कोसर में राशन डिपो मंजूर किए जाने को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर हो गया। ग्रामीणों ने सचिवालय के पास एकत्र होकर के खाद्य आपूर्ति अधिकारी अशोक बंसल के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में गांव के सरपंच राज सिंह ने आरोप लगाए हैं कि पंचायत की सहमति के बिना खाद्य आपूर्ति विभाग ने डिपो दे दिया, जो कि सरासर गलत है। विभाग ने पंचायत की पूरी तरह से अनदेखी की है, इसके चलते आज ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया है। वहीं गाँव के सरपंच ने कहा कि अगर ग्राम की सहमति का कोई अहमियत नहीं है तो गांव में सरपंच की जगह डीएफएससी आकर ही गांव में पंचायत चला ले, और इसी को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि डिपो को कैंसिल नहीं किया जाएगा, जिसमें पंचायत सहित अन्य लोगों ने भी आरोप लगाए हैं कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने पंचायत के प्रस्ताव की अवहेलना की है तथा रिश्वत के आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में उक्त व्यक्ति ने मोटी रकम लेकर के बिना पंचायत की मंजूरी के डिपो अलाट किया गया है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। इन्होंने अत्याचार किया है। एक जिनानी जो विधवा और थी, छोटे छोटे बच्चे, और इतना सिर्फ वो इंसान जो यह मर गया था, वो छोटा सा उसके छोटे छोटे बच्चे है, और इन्होंने पूरे गांव से उल्ट होकर, और इन्होंने अपने अफसर से मिलकर, हम तो जानते नहीं अफसर क्या होते हैं, हल्लेलुया, हम नहीं जानते अफसर क्या होते हैं, जब से वो डिपो छीन कर और जब से ये अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इसका न्याय चाहते हैं हम। न्याय होना चाहिए, हमें दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। पहला डिपो मेरे चाचा जी को सी, उन्होंने डेथ होगी 15 दिसंबर उन्होंने डेथ होगी। और जिन्हें भी इन्होंने इंस्पैक्टर साहब को गए, उन्होंने भी आह गल कही सानू भी असी डिपो अलाट हो चुका है पहले ही। ठीक है जी, उस तो डी एफ साहब को गए, पूरी पंचायत गई, उन्होंने कोई गल नहीं सुनी। पंचायत जीरो, यानी पूरी पंचायत जीरो, सरपंच साहब भी कोई नहीं, कोई कोई आए नहीं भी बैठो, कुछ नहीं पंचायत की, कोई ये कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है पंचायत का। एक पंच करे ना करे असी भी डिपो दे सकते, एक पंच ने सैन करते तो अभी डिपो देता। तो इन्होंने पैसे लेके घपला किया, शरेआम घपला किया, सारा पिंड एक पासे है। 80 क्विंटल पर मंथ एक कणक इतने विकती है जी, डिपो की दिती जाती है, तो जिद इन्हों की 30 क्विंटल मिल लगी हजे, 3 दिन 4 दिन हो गए राशन बढ़ते हैं। मंग जिमें पिंड करूगा सारे पिंड के नाल ही है जी, सारे पिंड। मैं सरपंच ग्राम पंचायत कुसर राज सिंह, आज हमारे गांव में इस बात का रोष है, पूरी पंचायत में इस बात का रोष है कि हमारे गांव में डिपो होल्डर जगराज सिंह की मृत्यु हो गई है, और उनकी जगह हमारे ग्राम पंचायत ने नए डिपो के लिए एक रेजुलेशन डाल के दिया था, गुरुप्रीत सिंह सुनोब श्री त्रिलोचन सिंह। और जब हमें ये डिपो प्रस्ताव देने के लिए डीएफएसओ सिरसा के पास गए, तो वो कहने लगे जी हमने तो आपके गाँव का डिपो है जो पहले अलाटमेंट कर दिया है, डिम्पल वाइफ हो पे राजू की वाइफ को हमने ये डिपो उनको दे दिया। इस बात को सुन के हमारी पूरी पंचायत और पूरे गांव में इस बात का रोष फैल गया कि हमने ग्राम पंचायत ने जिसको दिया है वो पारित क्यों नहीं हुआ है। बाकायदा हमारे को डीएफएसओ का लेटर मिला हुआ है, वीडियो के माध्यम से मेरे को लेटर मिला। लेटर का हमने 4 फरवरी को गाँव में पंचायत बिठा कर प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद 8 फरवरी को हमने देने गए, तो हमारी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी और कहने लगे कि जी ये तो हो गया। हमने उनसे पूछा भी आपने हमारे को लेटर दिया है, तो कहने लगे जी ये तो हमारी गलती है, आप लेटर को ले कहीं घूमो। इस बात का इतना रोष है मेरे गांव में, आज त्यौहार के दिन भी हमारे गरीब जो आदमी है जिनके राशन मिलता है वो घर बैठे हैं, कम से कम 10% राशन मिला होगा, लेने के लिए नहीं जा रहे, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम उस डिपो से राशन नहीं लेके आएंगे। अगर हमारी ये मांग है कि एक तो गुरप्रीत सिंह सुनोब श्री त्रिलोचन सिंह का डिपो जो हमारी ग्राम पंचायत ने पारित किया है प्रस्ताव, उसको डिपो मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी डीएफओ से भी मैं ये कहूँगा कि वो गांव में आके हमारी अटैचमेंट करके त्यौहार के ऊपर गरीब लोगों का राशन दिया जाए। डीएफएससी है वो नहीं सुन रहा, एक उनका कोई रिश्तेदार है जिसके पास टेंडर है इसका पूरे महकमे का, कि इस संदीप पता नहीं विक्रम नाम का, उसकी मिली भगत है ये, हमें पता नहीं था, हम अपने अपने हिसाब से चले।
कि जिस तरह के कानून के हिसाब से मेरी कार्रवाई चेक कर सकते हो, मेरे लेटर चेक कर सकते हो। और इसके बाद हमने एक रिट लगाई इसके अंदर एडीसी को, एडीसी ने इंक्वायरी करने के लिए एसडीएम एलनाबाद के पास भेज दिया। एलनाबाद हमारी कल तारीख थी, जिसके अंदर संदीप कुमार इंस्पेक्टर और एक जगतपाल सिंह आए हुए थे, उनको एक भी जवाब नहीं आया। उनके पास कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे मेरी पंचायत के, सिर्फ एक पंच के साइन थे। कहने लगे जी हमारे पास प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? उन्होंने एसडीएम साहब ने उनको नकार दिया और उनके हमारे पक्ष में फैसला किया। और अब ये धक्के से गांव के अंदर राशन लेके बैठे हैं, ना तो हमारी इंस्पेक्टर सुन रहा। संदीप साहब को फोन किया, जगतपाल जी है उनको भी फोन किया, डीएफएससी हमारा फोन नहीं उठा रहा। अगर हम फिर आंदोलन करेंगे, और आज हम ये कसम खा रहे हैं कि त्यौहार के ऊपर भी हम राशन लेने नहीं जा रहे, जाके उनकी चेक कर सकते हो कितना परसेंट राशन मिला है उनका। और मेरा पूरा गांव कह रहा है कि हम राशन नहीं लेके आएंगे जब तक जो हमारी पंचायत की मांग पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल जी, हम तो ये कह रहे हैं हमारी मोर बैग सब कुछ ले जाए, आप करो, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उस एक पंच के पास जाओ, या जो डीएफएससी है वो हमारे गांव को चला लेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। हम सिर्फ जब सप्तली थी, न्याय और अन्याय, ना हम जातिवाद करते ना किसी का पक्षपात करते। मैं कोई एक नहीं हूँ, मेरी पूरी पंचायत का रेजुलेशन मेरे पास है और जिस ग्रुपित को दिया उसके पास है। कोई ये नहीं कि एक मेंबर को मैंने उठा के दे दिया हो, नहीं, ये कोई नहीं है। ओके।